आज बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में टीबी चेस्ट विभाग द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी को डॉक्टर सत्येन मिश्रा, जो कि सहायक प्राध्यापक टीबी चेस्ट विभाग में पदस्थ हैं, उन्होंने संबोधित किया। आज संगोष्ठी का विषय था ऑपरेशन के पश्चात फेफड़े की जो देखभाल है उसके संबंधित ज्ञान देने का, ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद किन प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि फेफड़े में निमोनिया और तरह तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस ऑपरेशन होने के पश्चात हो जाते हैं उससे बचाया जा सके। नमस्कार, आज की संगोष्ठी में जनरली नर्सिंग स्टाफ के लिए था कि हम ऑपरेशन के पहले ऐसी कैसी तैयारी करें कि बड़े ऑपरेशन के बाद फेफड़े को नुकसान ना पहुंचे, और अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो फेफड़े को किस तरीके से उसको ठीक किया जा सके। सामान्यतः फेफड़े पिचकने के, उसको एथेरेक्टिस कहते हैं, उसकी बीमारी होती है ऑपरेशन के बाद, और फेफड़ों में कई बार पानी जमा हो जाता है, और तीसरी चीज जो होती है फेफड़े का इन्फेक्शन बार बार हो जाता है और काफी ज्यादा केसेस में यह घातक होता है। फेफड़े इसलिए जरूरी है कि ज्यादातर ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसमें ज्यादातर फेफड़े इन्वॉल्वमेंट होते हैं। लगभग एक तिहाई, एक चौथाई लोगों में फेफड़े में परेशानी आती है ऑपरेशन के बाद। तो हम क्या कर सकते हैं ऑपरेशन के पहले ताकि फेफड़े में परेशानी ऑपरेशन के बाद नहीं आए, और किस तरीके से हम तैयारी करें ऑपरेशन की और ऑपरेशन के बाद क्या करें, इस सब चीजों पर आज संगोष्ठी थी। जैसा कि आपने अभी सुना, डॉक्टर साहब ने काफी इस बारे में जोर दिया है कि ऑपरेशन के ही सिर्फ सफल होने का उस ऑपरेशन थिएटर में ही मायने नहीं रख रहा होता है, उसके पश्चात और ऑपरेशन होने से पहले मरीज और उसके अटेंडर के सहयोग से भी ऑपरेशन को सफल बनाने में मदद मिल सकती है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने धूम्रपान छोड़ने को लेकर के काफी ज्यादा जोर दिया है, ये बेहद जरूरी है, ये एक बेहद जरूरी चीज है कि अगर आप धूम्रपान छोड़ देंगे तो ऑपरेशन होने के बाद निमोनिया और उसमें तरह तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचाव किया जा सकता है। सो हम सभी लोगों को एक प्रण लेना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले हम किसी भी प्रकार के धूम्रपान और गुटखा तंबाकू सबको त्याग देंगे। धन्यवाद।